Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज हम लाइफ स्किल टीवी के तावन से आपको एक बहुत ही मोहलक मर्ज़ जो कि आजकल आम हो चुकी है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और उनकी क्यूरीज भी आ रही हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक्स तो डिफरेंट चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र का भी तकाजा होता है, उम्र के साथ साथ बूढ़ों में नहीं अब तो नौजवानों में भी ये मर्ज़ बहुत देखने में आ रहा है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली है क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक जहरीला मादा है जो कि खून में शामिल हो रहा होता है, जिसको किडनी ने फ़िल्टर करके, गुर्दों ने साफ़ करके आपके यूरिन के थ्रू, आपका जो हम यूरिन पास कर रहे होते हैं उसके थ्रू इसको जिस्म से खारिज करना होता है। और इसकी मेन वजह फिर वही है कि आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, और उसके साथ साथ जो हम फूड खा रहे हैं, सॉरी आप बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लगेंगी मेरी, कि राइस हमने रेगुलर खाने हैं, उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और वो बूढ़ा भी नहीं होने देते, उससे पहले इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और इसी तरह जो आजकल चिकन और मीट का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है, बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये नहीं पता होता कि एक मोहलक मर्ज जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं उसमें वो मुबतला होने भी जा रहे होते हैं। सबसे पहली बात यूरिक एसिड के लिए सबसे अहम बात, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी नींद को बेहतर करें। मैं हर मर्ज़ के लिए इसको रिकमेंड करूँगा, उसके बाद फिर दवा की बारी आती है। और इसके साथ साथ आपकी होम रेमेडी, आपकी सब्जियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़, एक आम सी चीज़ जिसके खाने से आपका यूरिक एसिड इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ज़ीरा सफ़ेद, जो कि गर्म मसालों में आम पाया जाता है, उसका आप कहवा बनाएं, और उस कहवे में हो सके तो जिंजर अदरक को भी ऐड कर लें, या सुंड जो होती है उसको ऐड कर लें, और लेमन ऐड कर लें। ये तीन चीज़ों का अगर आप रेगुलर कहवा पीना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड जो है वो इत्तेदाल पे आना शुरू हो जाएगा। कोई भी डायूरिक चीज़ जिससे आपका जो पेशाब आवर है, जिससे पेशाब आपको मैक्सिमम आता है, उससे आपके यूरिक एसिड में कमी आती है, किडनी का फंक्शन जो होता है किडनीज का वो बेहतर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और आपके ब्लड में से जो जहरीले मादे हैं वो थ्रू पेशाब आपके जिस्म से उनका अखराज होता है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको पसीना आता है उससे भी आपके जिस्म के बहुत सारे जहरीले मादे, बहुत सारे फासद मादे, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो आपको एक आपके खून में एक ऑक्सीजन की लहर दौड़ती है, ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड मिलता है आपको, साफ़ सुथरा खून आपकी बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है तो डेफिनेट बहुत सारी अमराज के ख़िलाफ़ जहाद करने के काबिल होता है। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़ीरा सफ़ेद, सुंड या अदरक और लेमन, ये तीन चीज़ों का बेहतरीन सा कहवा बनाएं और दिन में दो या तीन मरतबा लाजमी इस्तेमाल करें, और कोशिश करें, डायबिटिक लोग भी होते हैं मोस्टली इसमें, तो कोशिश करें कि आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे अगर गुड़ मिल जाए वो भी वो ब्लैक वाला जो होता है, जो मार्केट में आम मिल जाता है, जो सफ़ेद किया हुआ होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, वो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह हैं। अगर आपने मीठा इस्तेमाल करना भी है तो गुड़ का इस्तेमाल करें, तो उससे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एक तो आपका निज़ाम हज़म बेहतर होगा, आप देखेंगे आपने जो कुछ खाया पिया है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हज़म होगा, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका स्टूल भी उससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपका जो जब आप खाना खाते हैं तो आपको बदहज़मी सी फील होती है, अफारा फील होता है, पेट में ऐसे लगता है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, वो सारी चीज़ें जो है ना डाइजेस्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें हज़म हो जाएंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड जो है वो इत्तेदाल पे आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि ज़ीरे का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, उसका अरक भी बना के रख सकते हैं, उसका पानी बॉयल करके बॉटल में बंद करके भी रख सकते हैं,
अगर आपके पास सहूलत नहीं है कि आप हर बार जो है ना वो उसको इस्तेमाल करें और दोबारा उसका जुशांदा बनाएं या उसका कहवा बनाएं, तो उसका खस्यांदा भी बना सकते हैं। खस्यांदे से मुराद ये है कि उसको हल्का सा आप कूट लें और आम नॉर्मल टम्परेचर, रूम टम्परेचर पानी में डाल के रख दें, लेकिन जब वो पानी होगा तो उसको आपने कोशिश करनी है कि प्लास्टिक की बोतल ना हो, शीशे की बोतल हो या जग वगैरह जो हो वो भी शीशे का हो, जो भी बर्तन हो जिसमें आप पानी डालें। अगर आपने कम से कम 4 या 5 लीटर पानी डाला है तो उसमें आप आध पाओ 100 ग्राम तक जो ज़ीरा है उसको हल्का सा कूट के वो उसमें ऐड करके उसको रख दें। 2-3 दिन के बाद आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। कोई आपको महसूस भी नहीं होगा कि उसका जो पानी आप पी रहे हैं आम नॉर्मल पानी है या ज़ीरे वाला। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड जो है ना वो इंशाल्लाह इत्तदाल पे आना शुरू हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी ज़रूरत हो तो हमारा नीचे दिए गए नंबर पर रابطہ करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं।